आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक 30 साल के लड़के के बारे में जिसको डिप्रेशन हुआ और उसने कैसा उसको डील किया, हमने क्या किया। तो आइए, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है। ये जो 30 साल का लड़का है, अभी मेरे सामने उसकी हिस्ट्री है कि उसको काफ़ी विचार आते हैं, बहुत विचार आते रहते हैं, ज़्यादातर निगेटिव विचार है, उसको अस्वस्थ रहता है, सब बेचैनी से रहती है, स्थिर नहीं रहता है जगह पे, फिर कोई भी काम में मन नहीं लगता, उदास लगता है, कोई फ्रेश नहीं लगता उसको, फ्रेश बिल्कुल लगता नहीं, ऐसा हरदम ढीला, डाउन, नर्वस, डिप्रेस्ड, और कुछ काम करने की इच्छा नहीं, नींद नहीं आती, कभी कभी नींद आ जाती है मगर ज़्यादातर नींद नहीं आती, बड़े मुश्किल से 2-3 घंटे रात को सोता है, चिंता सताती है और ये जीने में कोई मतलब नहीं ऐसा लगता है। इसको ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो गया 1 साल से जब उसकी नौकरी छूट गई। ये हस्तमैथुन भी करता है और हस्तमैथुन करके थोड़ा उसको अच्छा लगता है, मगर हस्तमैथुन करने के बाद में जब सेक्स की इच्छा शांत होती है, सेक्स की भूख ठीक हो जाती है, मगर फिर उसको गिल्ट लगता है कि नहीं मैंने हस्तमैथुन किया, वो ठीक नहीं किया। फिर उसको प्राइवेट नौकरी उसको लग गई थी, फिर प्राइवेट नौकरी भी 3 महीने के बाद में वो भी छूट गई। पिताजी के साथ में उसका बिल्कुल पट्टा नहीं है, घर में झंझट झगड़े होते रहते हैं, पिताजी बोलते तू काम नहीं करता और घर में बैठा रहता है, इतना पढ़ा लिखा है, ऑलरेडी MBA, MBA होने के बाद में भी फिर ऐसी हालात उसकी है कि भाई उसको नौकरी नहीं है आज, और फिर वो किससे बात नहीं करता। फिर ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन हो गया तो 3 दिन में एक आधी बार दारू लेता है, शराब ले लेता है, और हर 3 दिन में 4 दिन में एक बार शराब, फिर उसका भी खर्चा बढ़ा हुआ है और उसको भी 30 साल की उम्र में ही डायबिटीज़ भी है 2 साल से। तो डायबिटीज़ के ऊपर उसकी दवाई चालू है और डायबिटीज़ का दवाई लेके डायबिटीज़ कंट्रोल में है उसका। और थायराइड की टेस्ट किया, थायराइड नेगेटिव है, थायराइड का कुछ प्रॉब्लम नहीं उसको। बाकी भी लीवर फंक्शन टेस्ट, फिर बाकी सोडियम पोटेशियम, किडनी फंक्शन टेस्ट, सभी टेस्ट वो नॉर्मल है। अभी उसको इतने प्रॉब्लम है, मोस्ट प्रॉब्ली ये लगता है कि रिएक्टिव डिप्रेशन है ये, मतलब नौकरी छूट गई उसके बाद में ये हुआ। और फिर क्या होता है कि डायबिटीज़ की लेवल जो है शुगर की, तो शुगर की लेवल फिर कम ज़्यादा होते रहते, उसमें भी डिप्रेशन में उसको ज़रा ज़्यादा लगता होगा। क्या होता है, शुगर जो है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऐसा बोला जाता है कि ये सफ़ेद पॉइजन हम रोज़ खाते हैं। जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं उतना ज़्यादा पॉइजन हम हमारे अंदर डालते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स और जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हम खाते हैं, जो भी सफ़ेद चीज़ है हमारे खाने में, और कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्ब्स, तो शुगर मतलब मीठा, उसमें बहुत कार्ब रहता है और सफ़ेद शुगर रहती है, नमक भी सफ़ेद है और वो भी हानिकारक है, दूध है, जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं ना वो प्रॉब्लमेटिक है हमारे लाइफ में, और दही है, फिर चीज़ है, पनीर अच्छा होता है, एक तो पनीर, पनीर मतलब प्रोटीन ज़्यादा होते उसमें, तो पनीर खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको मैंने फिर बोला ठीक है, अभी हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने उसको एंटी डिप्रेशंस दिया, हालांकि उसको एंटी डिप्रेशन मिल चुके थे पहले मगर उससे फ़ायदा नहीं हुआ था, और मैंने उसको साइकोथेरेपी और हिप्नोथेरेपी के लिए बोला। हमने साइकोथेरेपी हिप्नोथेरेपी चालू किया और उसको मैंने एक ही बोला कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो डिप्रेशन आया हुआ है, एक तो वो डायबिटीज़ उसमें डिप्रेशन में ज़्यादा उसको कंट्रीब्यूट करता है बढ़ाने में, और दूसरा हस्तमैथुन है, तो उसको उसके बारे में भी मैंने काउंसिलिंग किया, दवाई हिप्नोथेरेपी से उसको काफ़ी आराम पड़ने लगा। तो यह है डिप्रेशन के बारे में, और ये यंग एज में हुआ। अभी क्या है कि यंग एज में बहुत डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, लोगों के जीवन में बहुत तनाव है, स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, फिर रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, ये भागा दौड़ी चले उसका स्ट्रेस, तो काफ़ी सारा स्ट्रेस है, इससे डिप्रेशन आते रहता है। तो ये वीडियो आप जरूर लोगों को शेयर करो। हमारा जो मकसद है, मिशन जो है, वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप भी हमारे पार्टनर बनो। मेरा प्ले स्टोर पे एक ऐप है डॉक्टर केळेकर नाम का, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें फ्री चैटिंग कर सकते हैं, उसमें ऑनलाइन कोर्सेस है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और हमारे जो नंबर नीचे दिए हुए हैं वो नंबर भी आप कॉल करके हमारी ऑनलाइन सेवाएं आप ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।